जाएंगे। फॉरेनर ट्रिब्यून में जाने का बात यह है कि मैं बीजेपी बन गया, मुझे जाके वहाँ साबित करना है, केस करना है, मुझे वहाँ पे डिग्री लेना है। अभी आप एक बात बोलिए, मैं अगर फॉरेनर ट्रिब्यूनल में गया हाँ, तो आप क्या मुझे गारंटी देंगे मेरा जो डॉक्यूमेंट्स है वो एक बार देखते ही मुझे मिल जाएगा डिग्री? क्या पता हो, अगर आपके नीचे स्तर में भी आपका सही से काम नहीं है तो ऊपर के ऊपर हम कैसे भरोसा करें? 55,000 जो कर्मचारी सिर्फ आसाम के लिए काम किया था दिन रात एक करके, उसके बावजूद भी आपने नाम नहीं निकाल पाया अच्छे से। आप बोल रहे हैं कैसे जाएंगे? हमको वहाँ जाने के लिए अभी पैसा नहीं है, हम काम करेंगे ना, खुद को चलाएंगे ना, घर के चलाएंगे ना, हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे, हम कैसे जाएंगे वहाँ पर? तो इसलिए हम चलते हैं, हम बोल रहे हैं कोरोना ट्रिब्यूनल में हम ले जाएंगे। आप अपना जो आपने ये समस्या क्रिएट किया, आपने ये समस्या उत्पाद किया, आपने ये समस्या क्रिएट किया है, डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, आपने नाम नहीं एनआरसी में नहीं डाला, तो अभी ये नजदीकी एनआरसी जो सेंटर है, एनएस का सेंटर है, उसके जरिए, उसके ऑफिसर के जरिए आप ये ऑर्डर इशू कीजिए कि ये जो मसला है इसको हल किया जाए। अगर ये हल नहीं होता ना मसला इस तरह से, तो हम लोग ये आप क्या देख रहे हैं दिल्ली के जंतर मंतर में, इससे बड़ा आंदोलन होगा। और पति गाजिला जी, आपको हम बार बार आगाह कर रहे हैं, आपके ऊपर तो हम आसाम गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को हम लोग मेमोरेंडम दे रहे हैं कि आपके ऊपर सीधे इंक्वायरी हो, आपके ऊपर पूरी इंक्वायरी हो, आपने सही से काम नहीं किया, तो सरकार के अंडर है, आपके आपके ऊपर पूरी सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए, सरकार के अंडर है, सरकार के ऊपर भरोसा है, सरकार काम नहीं करता हम ऊपर तक जाएंगे, हम यूएनओ तक जाएंगे, हमको जहाँ जाना जाएंगे, क्योंकि कोई तो हमारा बात सुनेंगे, कोई तो हमारा बात सुनेंगे, सुनेंगे कि नहीं? आप बोलिए, कोई तो हमारा बात सुनेंगे? अरे ऐसे कैसे नहीं सुनेंगे? ठीक है, नहीं सुनते तो हम आम जनता अगर जाग गए ना, आम जनता सोचा हुआ शहर शहर अगर जाग गया ना तो बहुत ही मुश्किल है। मैं ये बोल रहे हो भारत माता के एनआरसी से आपको बाहर कर दिया गया है और बहुत सारे डॉक्यूमेंट गायब हो चुके हैं और अभी आपका लिस्ट में नाम नहीं, अब सरकार से क्या उम्मीद रख रहे हैं? सरकार से तो उम्मीद हमारा बिल्कुल भी नहीं है, फिर भी हम लोग ऐसा है कि आंदोलन के थ्रू हम लोग उनके ऊपर आशा थोड़ी उम्मीद है, अभी हम लोग अरे जो डॉक्यूमेंट्स रहने के बावजूद आपने तो बोला है, हाँ डॉक्यूमेंट्स, बहुत लोगों का डॉक्यूमेंट जल गया, पानी में बह गया, बाहर में बह गया, बाहर में बह गया, ठीक है, अभी जो डॉक्यूमेंट अभी जिसका है उनका तो नहीं हो रहा है, जिसका नहीं है उसका तो नहीं है, उसका भी तो होना चाहिए, क्योंकि उन लोग ऐसे उन लोगों को जो आई विटनेस होता है आई विटनेस बुलाइए कि आप पंचायत होता है, पंचायत के जो महानगर होता है, जो आप लोगों का जो गाँव बुढ़ा बोलते हैं उसके द्वारा आप इन्वेस्टिगेशन करवाइए, उसके द्वारा आप ये रिचेक करवाइए कि आदमी ये 1971 से पहले आया या 50 से पहले आया, कि वो आका निजी जो गाँव बुढ़ा होता है, जो पंचायत प्रधान होता है ना, उनको तो पता होता है ना, भले ही उसका डॉक्यूमेंट पानी में बह गया हो गया, घर जल गया हो गया, मगर उसका तो रिकॉर्ड होता है ना, तो उसके द्वारा आप वेरीफाई करवाइए। आप साबित कैसे कर पाएंगे क्या जो जिनके डॉक्यूमेंट्स पानी में बह गए बाढ़ में, साबित कैसे करेंगे, कब तक साबित करेंगे कोर्ट में? कोर्ट में तो हम लोग इतना साबित करने नहीं जाएंगे, हम लोग तो जनसाधारण अभी आंदोलन में उतर आया, हम लोग देखेंगे कि सरकार कब तक हम लोगों को झेलता है, अगर नहीं ये अगर सरकार ये मसला जल्द से जल्द अगर हल नहीं करता ना तो ये आंदोलन पूरे देश में चलेगा, क्योंकि ये मूल निवासी सिर्फ आसाम में नहीं है, मूल निवासी सिर्फ आसाम में नहीं है, अभी बात ये हो गया पूरा देश का, पूरा भारतभर का, क्योंकि भारतभर से पूरा मूल निवासी है, तो हम लोग ये अपील कर रहे हैं बार बार कि हम लोगों का जो मूल निवासी है उसका नाम आना चाहिए बिना किसी रुकावट, बिना किसी झंझट के। सरकार तो चाहती नहीं है, सरकार को चाहना पड़ेगा, सरकार को सुनना पड़ेगा, सरकार को हमने बनाया, सरकार को सुनना पड़ेगा, सरकार ऐसे कैसे नहीं सुनेगा? ठीक है, हम भी देखते हैं ना, आपको बोला है ना हमने, हम लोग का भी जब समय आएगा ना तब सरकार को हम लोग उसका जवाब दे देंगे, कोई तो सुनेगा हमारा। जिस तरह से चुनाव में आए और जनता के हित में बात की, सबका साथ सबका विकास, क्या आपका विकास हो रहा है? सबका साथ सबका विकास कहाँ हो रहा है? अगर होता तो यहाँ पर दिल्ली में जंतर मंतर में हम लोग ये मूल निवासी धरना लेके आते, एनआरसी का मुद्दा तो 6 साल से चल रहा है, अभी पिछले कुछ दिन में गया था अमित शाह जी हम लोग का पास पेपर कटिंग भी है, अमित शाह जी यहाँ पर आसाम में जाके बोलते हैं कि एनआरसी आपको कर देंगे, और उधर पश्चिम बंगाल में भाषण में बोलता है कि आसाम में जितने बांग्लादेशी घुसपैठिए उनको हम लोग घर से निकाल देंगे। अरे बाप रे, एक दिन में दो तीन बात वो लोग बोलते रहते, तो ये तो सही नहीं है ना, आपको तो घुसपैठ ही साबित कर दे रहे हैं ना, और जितने भी कह रहे हैं कि जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है साबित नहीं हो पा रहे हैं, वो कह रहे हैं ये तो घुसपैठ है बांग्लादेशी है, क्या इस पे साबित कैसे कर पाएंगे आप? अरे इससे मैंने आपको बोला है ना, मैं आपने जो बोला है जो इसका डॉक्यूमेंट नहीं है, उसका डॉक्यूमेंट क्यों नहीं है, जो पानी में बाढ़ में बह गया, जो जल गया, आपको पता है हम लोगों के यहाँ पर 1983 में बहुत एक बड़ा दंगा हुआ था, ठीक है, उसके चलते बहुत आदमी का घर और जल गया, तो आपने जान बचाएगा क्या वो डॉक्यूमेंट्स लेके भागेगा? अभी आप बताओ, अगर कोई अखंड जो भारत वर्ष था उसमें से जो आया था, हाँ
या पूर्व पाकिस्तान से जो लोग आए थे, हाँ, हम लोग तो कभी नहीं चाहते कि भारत भर द्विखंड मतलब भारत पाकिस्तान बने, और पाकिस्तान भी जो रहते थे पहले वो लोग भी चाहते नहीं थे कि बांग्लादेश बने। तो ये लोग तो आपने राजनीति मुनाफा के लिए तो देश को भाग करते करते कर लिया, अभी आम आदमी मर रहा है ना, तो कब तक मरेगा? आम आदमी एक ना एक दिन जागेगा, अभी जागने का समय हो गया, अभी जाग रहा है, यही बात है। कैसे जागेंगे, कैसे जागेंगे? आपको दिखाई नहीं दे रहा है और दिखाई नहीं दे रहा है, ये तो सिर्फ अभी टेलर है। रखना चाहेंगे, सुनिए, जो अभी आया ना जितना लोग, इससे भी ज्यादा लोग आएगा। अगर ये हमने सिर्फ ट्रेलर दिखाने के लिए आया है और कुछ के लिए नहीं आया, सिर्फ अगर नहीं मानता है तो होगी आपकी मूवी रिलीज कब होगी आपकी? ट्रेलर है ये, अभी तक हो जाएगा, हो जाएगा अगर ना मानते तो नहीं होगा। हमारे पास देखिए ये डॉक्यूमेंट्स भी है, देखिए 66 हम लोग जितने आदमी है सभी के पास डॉक्यूमेंट लेके है, आप लोग ले सकते हैं। देखिए लेकिन इसके क्यों डिब्यूटर आया है, इसके क्यों डिब्यूटर आया है? और ये भी बात सही है, जो डिब्यूटर बनाता है वो तो हम नहीं बनाता है, कोई तो उसमें बैठ के बनाता है, वो कौन बनाता है? जो गांबुरा है ना वो। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सकें।